कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में हम लोग समंकों का बिंदु रेखीय प्रदर्शन पढ़ रहे हैं और आज असमान वर्गांतरों में आवृत्ति चित्र बनाना सीखेंगे। असमान वर्गांतर वाले आवृत्ति वितरणों का प्रदर्शन करने हेतु वर्गांतरों के आधार में ही चौड़ाई बढ़ा दी जाती है, जिससे आयत की चौड़ाई भी असमान हो जाती है। यदि आयत की चौड़ाई समान रखी जाए तो उसी अनुपात में ऊंचाई बढ़ा दी जानी चाहिए, जिससे क्षेत्रफल समान रह सके। किंतु सामान्यतः चौड़ाई को वर्ग अंतराल के आधार पर असमान कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ असमान वर्ग अंतर जैसे दिया हुआ है 0 से 5, यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 से 15 10 है, 15 से 25 10 है, 25 से 35 10 है, फिर 35 से 40, फिर यहाँ 5 आ गया, 40 से 45, फिर यहाँ 5 वर्ग अंतर आया, तो असमान वर्ग अंतर है। इसके आधार पर हम लोग चौड़ाई को बढ़ा देते हैं। जैसे कि अब हमने यहाँ पैमाना माना है 1 सेंटीमीटर = 5 रुपये, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, अब 0 से 5 प्राप्त करने वाले मजदूरों की संख्या 5 है, तो यहाँ पे एक बन जाएगा आयत। फिर 5 से 15 है तो हम भी 5 से 15, अर्थात चौड़ाई को हम बढ़ाते जाएंगे। ऊंचाई तो जो आएगा 10 रुपये के हिसाब से, तो ये वो एक आयत बन जाएगा। फिर 15 से 25 है, 25 में 15 है मजदूरों की संख्या, तो हम 15 में जाके एक आयत बना देंगे। फिर 25 से 35 है तो फिर हम लोग यहाँ पर जाएंगे 20 में, और 20 में एक आयत बना देंगे। फिर वर्गांतर 5 हो गया है तो 5 के हिसाब से हम लोग बनाएंगे आयत। फिर 10 हो गया है तो 10 के हिसाब से, 5 हो गया है तो 5 के हिसाब से ही आयत बनाएंगे। अर्थात वर्गांतर के आधार पर आयत की चौड़ाई को हम लोग बढ़ाएंगे, और वर्गांतर कम होगा तो हम उसको घटा देंगे। अब यदि सिर्फ मध्य मूल्य दिया हुआ है तो हम कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पर निम्न आंकड़ों को आवृत्ति आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पर हमको केवल मध्य मूल्य मिला है और दूसरा आवृत्ति मिली है, तो इसको सबसे पहले हमको वर्गांतर में बदलना पड़ता है। तो जैसे कि 5 है, 15 है, 25 है, तो इसका लोअर वैल्यू वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा निकालना पड़ता है। तो जैसे निम्न सीमा निकालना है L1 निकालने का सूत्र है मिड वैल्यू माइनस I अर्थात वर्गांतर अपॉन 2। तो यहाँ पे मिड वैल्यू जैसे 5 है, 5 लिख देंगे, ऋण वर्गांतर 10 है, 5 और 15 के बीच में आप देखेंगे 15 से 25 के बीच में 10/2, तो ये आ जाएगा 5 ऋण 5 = 0। तो ये पहले वर्गांतर की निम्न सीमा होगी 0। अब दूसरा जो अपर वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं, L2 का सूत्र मिड वैल्यू प्लस I अपॉन 2। मिड वैल्यू है 5, धन वर्गांतर है 10/2, तो 5 × 5 = 10। तो इस प्रकार से ये अपर वैल्यू आ जाएगा, ये लोअर वैल्यू, ये अपर वैल्यू। तो इसको बनाने के बाद ठीक वैसे ही सवाल बनेगा जैसे कि हमने पिछले सवाल में बनाया था। तो ये वर्गांतर के न मध्य मूल्य के आधार पर हम लोग आयत चित्र नहीं बनाएंगे, परंतु वर्गांतर के आधार पर, वर्ग अंतराल के आधार पर हम लोग आवृत्ति की सहायता से आयत चित्र को बनाएंगे। 0 से 10 5 है आवृत्ति, 5 में जाकर आयत बना देंगे, और उसके बाद 10 से 20 15 है, 10 से 20 यहाँ 15 में जाके आयत बना देंगे। तो इसमें मुख्य काम है कि हमको वर्गांतर निकालना है, बाकी तो हम सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे कि हम पहले सवाल में बनाते आए हैं। और ये एक बार बनने के बाद फिर हमारा आयत चित्र बनाना बहुत आसान हो जाता है। सूत्र को याद रखना जरूरी है, निम्न सीमा वर्गांतर की निम्न सीमा निकालने के लिए मिड वैल्यू माइनस आई अपॉन 2। मिड वैल्यू निकालने के लिए, लोअर वैल्यू निकालने के लिए मिड वैल्यू माइनस आई अपॉन 2, और अपर वैल्यू निकालने के लिए मिड वैल्यू प्लस आई अपॉन 2। आई का मतलब होता है वर्गांतर, मिड वैल्यू तो हमको प्रश्न में ही दिया रहेगा, और नीचे में 2 करना है। तो इस प्रकार से करने पर हम लोग इस रूप में प्राप्त करेंगे, और उसके बाद आवृत्ति के आधार पर जो ये हमारा ग्राफ है इसको हम लोग बना लेंगे ग्राफ पेपर में।
आवृत्ति आयत चित्र हम लोग आसानी से बना सकते हैं।